तो दोस्तों आईक्यू कुछ दिन पहले इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने आईक्यू नियो 9 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि आईक्यू नियो 9 सीरीज में कुछ और नए वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं। इसमें जो नया अगला वेरिएंट लॉन्च होने वाला है उसका नाम है आईक्यू नियो 9 एस प्रो। और ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली लॉन्च होने के लिए कन्फर्म हो गया है। स्मार्टफोन के फीचर्स आ चुके हैं, स्मार्टफोन की प्राइस आ चुकी है, कब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, क्या डिटेल होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। आईक्यू नियो 9 एस प्रो जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है आईक्यू की तरफ से डायरेक्टली कंफर्म किया गया है। स्मार्टफोन जो ऑलरेडी काफी सारे सर्टिफिकेशन साइट वगैरह पर लिस्ट हो गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें स्मार्टफोन के कुछ डिटेल के बारे में जो कि इस लिस्टिंग से कंफर्म होकर के आई है और फीचर्स क्या है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें जो प्रोसेसर है वो काफी तगड़ा दिया गया है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की सबसे पहले बात करें डिजाइनिंग के बारे में, तो डिजाइनिंग अभी तक ऑफिशियली आईक्यू ने रिवील नहीं किया है, लेकिन आईक्यू नियो 9 प्रो जो स्मार्टफोन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है अमेज़न वगैरह पे, सेम वैसे ही डिजाइनिंग आपको देखने को मिलने वाली है, जहां पर पीछे की साइड आपको ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, बाकी फ्रंट के साइड में एक फ्लैटिश डिस्प्ले डिजाइन के साथ में सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स होने वाले, ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं आईक्यू नियो 9 एस प्रो 5G स्मार्टफोन के लिए। बात करते हैं कि स्मार्टफोन में क्या फीचर्स होने वाले हैं, प्रोसेसर कौन सा होगा, क्या डिटेल है। तो यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Zen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 8 Zen 3 पे ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च होने वाला है। हालांकि इस प्रोसेसर पे ऑलरेडी आईक्यू के काफी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन भी अब इस सेगमेंट में ऐड हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर 120 वाट का चार्जर हमें बॉक्स में मिलने वाला है। तो सारी जो चीजें हैं वो आप कह सकते हैं कि आईक्यू नियो 9 प्रो के ही सिमिलर है, बस कुछ चीजों में यहां पर चेंज होगा, कुछ चीजों में यहां पर आईक्यू जो है वो डाउनग्रेड करने वाला है इस स्मार्टफोन में, और यहां पर इसकी प्राइस जो है वो कम लेकर के आने वाला है। इसमें भी आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और यहां पर अब कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा, बैटरी कितने एमएच की होने वाली है, क्या चीजें हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। नीचे की साइड टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, स्पीकर स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलने वाले। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो यहां पर इस स्मार्टफोन में अवेलेबल होंगे। बात करते हैं कि स्मार्टफोन लॉन्च कब होने वाला है और यहां पर कहां पे लॉन्च होगा। तो सबसे पहले ये स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने के लिए स्मार्टफोन ऑलरेडी कंफर्म हो गया है। यह स्मार्टफोन अगले महीने यानी मई के महीने में लॉन्च होने वाला है चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में, और उसके बाद में पॉसिबल है कि यह स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी लॉन्च होगा अमेज़न पे एक्सक्लूसिवली, क्योंकि आईक्यू वगैरह जो स्मार्टफोन्स हैं वो Amazon पे ही लॉन्च होते हैं। अब यहां पर अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में कि प्राइस क्या हो सकती है, क्या प्राइस पॉइंट इस स्मार्टफोन की होने वाली है, तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Zen 3 है, और यहां पर सुनने में आ रहा है कि आईक्यू इसको काफी सस्ती प्राइस पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आप कह सकते हैं कि 30,000 के आसपास में या फिर अंडर 30,000 हो सकती है। अब देखते हैं कि प्राइस क्या होती है। बाकी यहां पर आईक्यू नियो 9 प्रो जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च है, तो उसी के सिमिलर स्मार्टफोन होने वाला है। उससे कुछ जो चीजें बाकी जो फीचर्स हैं उनमें हमें डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है, और इसकी जो प्राइस है वो कम आईक्यू जो है वो लेकर के आ सकता है। अब बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में। कुछ लोग ये कह रहे थे कि Qualcomm Snapdragon 8 Zen 3 क्या यहां पर आईक्यू जो है 22-23,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लेकर के आएगा, या फिर अंडर 25,000 की प्राइस पॉइंट पर लेकर के आने वाला है। तो अभी तक यार प्राइस के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। जैसे इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और नई डिटेल्स आती हैं मैं जरूर से आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल दोस्तों यही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो